आप प्रेसिडेंस ऑर्डर देखते हैं तो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है आपका ब्रैकेट का, ब्रैकेट के बाद आपका फिर प्रेसिडेंस आता है क्लीन क्लोजर का, क्लीन क्लोजर के बाद फिर आपका प्रेसिडेंस आता है कॉन्केटिनेशन का, और कॉन्केटिनेशन के बाद आपका प्रेसिडेंस आएगा प्लस का। तो ये आपका प्रेसिडेंस ऑर्डर है। तो इसका आप यूज कहाँ पर करेंगे, मान लीजिए आप कोई एक्सप्रेशन लिख रहे हैं ए क्लोजर डॉट बी प्लस सी, ठीक है ना। तो अब आप यहां पर कंफ्यूजन ये हो सकता है कि इसके देखिए दो मीनिंग निकल सकते हैं। फर्स्ट मीनिंग तो ये हो सकता है कि आप ए का क्लोजर लें, उसका कॉन्केटिनेट करें बी प्लस सी के साथ, ठीक है ना। या दूसरा मीनिंग ये हो सकता है कि आप ए क्लोजर बी करें, ठीक है ना, और फिर इसके बाद में प्लस करें इसको सी के साथ, ठीक है ना। तो या ठीक है ना, तो यहाँ पर एम्बिग्यूटी है क्योंकि इसका मीनिंग ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। तो वहां पर एम्बिग्यूटी को रिजोल्व करने के लिए आप इस प्रेसिडेंस ऑर्डर का यूज करेंगे। तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस क्या है, हाईएस्ट प्रेसिडेंस है आपका क्लीन क्लोजर का। इसका मतलब सबसे पहले आप इस क्लीन क्लोजर करेंगे, क्लीन क्लोजर करने के बाद में फिर सेकेंड प्रेसिडेंस है आपका कॉन्केटिनेट का, इसका मतलब फिर आप कॉन्केटिनेट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्लीन क्लोजर करेंगे, क्लीन क्लोजर वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसके बाद फिर सेकेंड प्रेफरेंस आएगा आपका कॉन्केटिनेशन का, तो आपको फिर कॉन्केटिनेट करेंगे बी के साथ, ठीक है ना, और फिर आपका नेक्स्ट प्रेफरेंस आएगा प्लस का, तो इसको हम प्लस करेंगे सी के साथ, ठीक है ना। तो ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा हुआ है इसका मीनिंग आपका ये हो जाएगा यूजिंग दिस प्रेसिडेंस ऑर्डर। तो अगर जब भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन को रिजोल्व करने के लिए आप इस प्रेसिडेंस ऑर्डर का यूज करेंगे। अब देखिए इस प्रेसिडेंस ऑर्डर को देखिए, यहां पर हाईएस्ट प्रेफरेंस होगा आपका ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट का आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी या प्रेफरेंस होगा। उसके बाद आप प्रेफरेंस देंगे इंटरसेक्शन को, ठीक है ना, और इंटरसेक्शन के बाद आप प्रेफरेंस देंगे यूनियन को, और यूनियन और सेट डिफरेंस आपका सेम होता है, ठीक है ना, यूनियन और सेट डिफरेंस की प्रायोरिटी आपका सेम होगा, ठीक है ना। तो यूनियन ऑपरेशन हो गया या सेट डिफरेंस ऑपरेशन हो गया, ये डिफरेंस ऑपरेंस हो गया, इन दोनों की प्रायोरिटी आपका सेम होगा, और उससे कम प्रायोरिटी आप देंगे क्रॉस प्रोडक्ट को, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी हो जाएगी ब्रैकेट की, देन इंटरसेक्शन, देन यूनियन सेट डिफरेंस की प्रायोरिटी सेम, देन क्रॉस प्रोडक्ट, और इनकी जो एसोसिएटिविटी होगी वो लेफ्ट टू राइट होगी, ठीक है ना। एसोसिएटिविटी जो होगी लेफ्ट टू राइट होगी, फॉर एग्जांपल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो आप इसको सॉल्व करेंगे ए इंटरसेक्शन बी लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे, क्योंकि इनकी एसोसिएटिविटी है लेफ्ट टू राइट। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व होगा, देन आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व होगा। अब जैसे इसी क्वेश्चन को देखिए, यहां पर आप इस क्वेश्चन को अगर इस ऑर्डर को आप यूज ना करें तो इसके दो आंसर आ सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए एक बच्चा फाई इंटरसेक्शन लेमडा पहले सॉल्व करता है, उसके बाद में यूनियन ए एस्ट्रिक को बाद में सॉल्व करता है, तो फाई इंटरसेक्शन लेमडा क्या हो जाएगा, फाई इंटरसेक्शन लेमडा हो जाएगा फाई, देन फाई यूनियन ए क्लोजर क्या हो जाएगा, फाई यूनियन ए क्लोजर आपका हो जाएगा ए क्लोजर। या फिर कोई दूसरा बच्चा हो सकता है कि वो पहले आपका लेमडा यूनियन ए स्ट्रिक को सॉल्व करे, तो अगर आप लेमडा यूनियन ए स्ट्रिक को सॉल्व करेंगे तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा ए स्ट्रिक, ठीक है ना। लेमडा यूनियन ए स्ट्रिक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्ट्रिक इंटरसेक्शन फाइव, और फिर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा फाइव। अब देखिए ये आंसर आपका रॉन्ग होगा और ये आंसर आपका राइट होगा, क्योंकि अगर आप इस वाले प्रेसिडेंट क्योंकि अगर आप प्रेसिडेंस ऑर्डर या प्रायोरिटी वाले रूल को लगाएंगे तो इंटरसेक्शन की प्रायोरिटी क्या है, यूनियन से ज्यादा है, तो सबसे पहले आप इंटरसेक्शन करेंगे देन आप यूनियन करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा ए स्ट्रिक, और ये आपका आंसर रॉन्ग होगा।